उत्तराखंड के पत्रकार हुए एकजुट, सागवाड़ा पत्रकार संगठन का हुआ गठन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के पत्रकार और पत्रकारिता की गरिमा बढ़ाने और उनकी पेशेवर समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्र के करीब 2 दर्जन पत्रकार आज सागवाड़ा में एकजुट हुए और जितेंद्र जवाहर दवे के संयोजन में सागवाड़ा पत्रकार संघ का गठन किया गया। गौरतलब है कि सागवाड़ा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से एक निष्पक्ष, ईमानदार और मजबूत पत्रकार संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो न केवल पत्रकारों के हित में आवाज उठाए बल्कि पत्रकार बिरादरी को उचित साझा मंच की आवश्यकताओं को भी उपलब्ध करवाए। संघ प्रवक्ता डायलाल पंचाल ने बताया कि इस बैठक में सागवाड़ा नगर के अलावा ओबरी, गलियागोट, सरोदा, कोकापुर, पाड़वा, भिलुड़ा आदि अंचलों से पत्रकार साथी शामिल हुए और एक तदर्थ कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से धनपाल भावसार, हेमराज जोशी और सुरेश मेहता को संरक्षक, जितेंद्र सिंह चौहान सागवाड़ा लाइव न्यूज संपादक को अध्यक्ष, नीलेश दवे और निशांत पंड्या को उपाध्यक्ष, अनिल अंचल को महासचिव, सुभाष भूता को कोषाध्यक्ष, राजूभाई बर्तनवाला को संगठन मंत्री, डायलाल पंचाल को प्रवक्ता निर्वाचित किया गया। इस दौरान क्या कहा नव निर्वाचित अध्यक्ष ने, सुनिए जरूर। विगत काफ़ी वर्षों से सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र में पत्रकारिता के जो साथी कार्य कर रहे हैं उनका एक साझा मंच, प्लेटफॉर्म निष्पक्ष हो, जो उनकी समस्याओं के लिए काम करें और एक पत्रकारिता और पत्रकारों को कई गरिमा बढ़ाए, ऐसा किसी संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसी उपलक्ष में आज हम सब साथी पत्रकार साथी सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के यहाँ एकत्रित हुए और एक सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें भाई अनिल अंचल हैं, भाई जितेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, धनपाल जी हैं, राजीव भाई शेख हैं, नीलेश जी हैं और सुभाष जी जैन साहब हैं, हार्दिक जी हैं। इन सब साथियों को साथ में लेकर के हमने एक अच्छी शुरुआत की है, तो आने वाले टाइम में पत्रकारिता के लिए और सागवाड़ा उपखंड में पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और भविष्य में और भी योजनाएं हैं कि इनकी क्षमताओं का निखार लाने के लिए और उनकी जो बुनियादी समस्या है उनको समाधान के लिए भी काम करेंगे, ये हमारी कामना है और इसी नेक उद्देश्य के साथ हमने शुरुआत की है। आइए अध्यक्ष से जानते हैं कि वो क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि आपने इस योग्य मुझे माना कि पत्रकार संघ का जो गठन हुआ है उसमें जो दायित्व मुझे दिया है उस दायित्व को बखूबी मैं निभाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि इस पत्रकार संगठन का जो गठन करने का उद्देश्य है वो यही है कि पत्रकारिता करना एक पत्रकार के लिए क्या उसके उद्देश्य होते हैं और उसकी गरिमा क्या होती है, वो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। और हमारे से जो हम पत्रकारिता करते हैं, जो लोग हमारे सामने खड़े होते हैं, जो जिनकी समस्याओं को लेकर हम खड़े होते हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं, क्या उम्मीदें होती हैं, उस पर हमें खरा उतरना ज़रूरी होता है। क्योंकि पत्रकार के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो समस्या होती है जो लोग लेकर हमारे सामने आते हैं उस पर हमें निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए से न्याय दिलाने की जो है हमारे अंदर एक जुनून होना है, वो होना चाहिए और वो होता भी है, हम करते भी हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि पत्रकारों के साथ कुछ समस्याएं आती हैं, कई बार पत्रकारों के साथ में कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं जहां पर वो विजिट करने जाता है या उस वीडियो को शूट करने जाता है, उस दौरान उसके साथ कई बार परेशानियां होती हैं। उन तमाम बातों को लेकर और इसके अलावा भी जैसा कि हमने देखते हैं, हम कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसी परेशानियां भी होती हैं जिसको लेकर पत्रकार परेशान रहते हैं, तो उन तमाम बातों को लेकर हम यहां पर इकट्ठे हुए और आज जिस तरह से आपने मुझे ये दायित्व दिया है तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी के सहयोग से हम बखूबी इसको निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र जी चौहान, जो बता रहे थे कि पत्रकारों की एकजुटता को लेकर वो सदा तत्पर रहेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।